हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टीसी क्लासेस। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। मेरी स्टीसी क्लास की ग्रुप चलती है, अगर आप ऐड होना चाहते हैं तो आप ऐड हो जाइए। ये मेरी क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलती है। और आप लोगों के रिक्वेस्ट पे हम फिर से फ्रेजल वर्ब की सीरीज नाइन्थ डिस्कस करने जा रहे हैं, तो देखते हैं, ठीक है। सीरीज में नौवा पार्ट है। चलिए तो ज्यादा समय लेते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक वर्ड है मेरा, ये बहुत ही वीवीआई सीरीज है फ्रेजल वर्ब का, जो कि प्रपोजिशन के चैप्टर में ही आता है, ठीक है। तो प्रपोजिशन के फ्रेजल वर्ब में आज हम मिक्स डिस्कस कर रहे हैं, जो एग्जामिनेशन में बहुत ही ज्यादा कॉमनली पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए अगला आइए, मेरा वर्ड है ट्रम्प अप। ट्रम्प को तो जानते ही है सब लोग, कौन है भाई? अमेरिका का राष्ट्रपति। और अब को आपसे ट्रम्प जी आप बड़ी बहाना मारते हैं, बोलते हैं कि इंडिया को तरक्की करवाएंगे, ये करेंगे वो करें, इतना बहाना मारते हैं। तो जिसने लिखिए ट्रम्प जी आप बहुत बहाना मारते हैं, याद आ गया ना, भूल गए ना? नेक्स्ट, ट्रम्प जी आप बहुत बहाना मारते हैं। अगला आइए, स्टेव ऑफ। स्टेव ऑफ, तो स्टेव ऑफ का मतलब होता है टालना, पोस्टपोन करना, डिले करना, पुट ऑफ करना। अभी तो हमने सीखा था ना पुट ऑफ, पुट ऑफ अभी हम सीखे थे। पुट ऑफ का मतलब पोस्टपोन करना, डिले करना। पुत्र को ऑफर दिया और क्या किया, डिले कर दिया। काम को बोला कल करेंगे, परसों करेंगे, चौथा रोज करेंगे, 10 दिन बाद करेंगे, वो कर रहा है, ठीक है। स्टीव ऑफ को ट्रिक बताइए। स्टीव को स्टोव दिख रहा है, स्टोव को जानते हो ना लोग, क्या होता है जिसमें हवा हवा भर के, क्या होता है, हाँ समझ गया ना, जिसमें खाना बनता है। तो हम स्टोव ऑफर किए उसको भाई बनाने के लिए, बोले भाई मेरा स्टोव खराब हो गया है, ऑफर दिए उसको भाई बना दो, कल करेंगे ना, परसों करेंगे ना, पोस्टपोन करते, 2 दिन बाद देखते हैं। मैटर क्लियर? स्टेव ऑफ का मतलब, देखिए ये ओ नहीं है, ए है। स्टेव ऑफ का मतलब टालना, पोस्टपोन करना, डिले करना, पुट ऑफ करना। हम ऑफर दे रहे भैया मेरा पोस्ट ऑफ खराब हो गया, बना दो, कल करेंगे, परसों करेंगे, 2 दिन बाद करेंगे, 10 दिन बाद करेंगे। सबको क्लियर कि फिर से चलिए मिटा रहे हैं। नीचे ट्रिक लिख लिया ना जी, नहीं लिखोगे भूल जाओ, बाद मत बोलना। अगला ये वर्ड है मेरा पुश ऑन। पुश ऑन, देखिए पुश मतलब क्या होता है, धकेलना, ठीक है। ऑन मतलब जारी रखना या कंटिन्यू रखना। तो भाई देखो इसका मीनिंग क्या होता है, टू कंटिन्यू ट्रैवलिंग समवेयर, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं तो करते जा रहे हैं लगातार, ठीक है। अब इसको ऐसे समझो कि पुश मतलब धकेलना, तो भाई किसी चीज को एक ही डायरेक्शन में लेके धकेल रहे हैं और धकेलते ही जा रहे हैं, धकेलना। ऑन मतलब कंटिन्यू, तू नहीं लिख रहा ट्रिक, बोलेंगे तुमने, अच्छा तो कह रहा है किसी चीज को धकेल रहे हैं और लगातार धकेलते ही जा रहे हैं उसको एक ही डायरेक्शन। हम लोग कहीं जा रहे हैं ना, कैसे जो ग्रुप डी का जो फॉर्म निकला है उसमें जॉब लेगा, लीजिएगा सामान और ढकेलते जाइए, ढकेलते जाइए और जा रहे हैं, तो हम लोग कहीं जा रहे हैं। ट्रिक लिखो या लिख लीजिए, किसी चीज को लगातार धकेलते जाना। हम लोग किसी सामान को लगातार किसी दिशा में ढकेलते जा रहे हैं, तो कहीं जा रहे हैं, ठीक है। इसके नीचे एक सेंटेंस लिखिएगा कि वी डिसाइडेड टू पुश ऑन टू मुंबई। हम लोगों ने निर्णय किया क्या, धक्का देने का, कहा मुंबई की ओर। यहां देखो दो प्रपोजिशन एक साथ यूज हुआ है, दोनों में डिफरेंस डिफरेंशिएट कीजिए। तो कोई क्या डिफरेंस है दोनों में, क्योंकि दो प्रपोजिशन हमने रूल बताया था, दो नाउन दो प्रपोजिशन दो भाग दो एडवर्ब दो कंजंक्शन कभी एक साथ यूज नहीं करते हैं, बट हियर वी हैव यूज्ड। सर ये प्रपोजिशन काम नहीं कर रही है, वर्ड सर दो प्रपोजिशन नहीं है, तो क्या है, मुंबई के लिए आया, मुंबई के लिए प्रपोजिशन आया है, मुंबई के लिए, और ये फ्रेजल वर्ब आया, दोनों डिफरेंट डिफरेंट वर्ड है। यहाँ पे ये प्रपोजिशन है और यहाँ ये फ्रेजल वर्ब है,
हमने रूल बताया था कि दो प्रीपोजिशन, दो कंजंक्शन, दो इंटरजेक्शन, दो नाउन, दो एडवर्ब, दो वर्ब एक साथ कभी यूज नहीं होता, बट अगर यूज होगा तो उसका फॉर्म चेंज होगा, ठीक है। बकायदा ये दोनों एक ही वर्ड है, ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों का कंबाइंड फॉर्म है कि किसी की कहीं तरफ जाना। तो देखो तो क्या है, वी डिसाइडेड टू पुश ऑन टू मुंबई, हम लोगों ने निर्णय किया कि हम लोग मुंबई की ओर चलेंगे, मुंबई घूमने चलेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला आइए, मिटा दे, नोट किया जी, ये मिटा देना। अगला मेरा क्या है, पुश फॉर, देखो समथिंग लिखा है, SOMETHING, पुश सम, आइए समबडी लिखा है, पुश समबडी फॉर समथिंग या पुश फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए धक्का देना, जैसे कहने का मतलब कि जैसे कोई लड़का खड़ा है, ठीक है, जैसे कुछ बोलना नहीं, बताना कुछ ही बोली थी, ऐसे करते है ना, याद आया कुछ, हाँ भाई भाई बताना, भाई किसी का टांग खींचते, भाई भाई बता दो, बता दे, जरूरी है, जरूरी है, बता दे। तो पुश फॉर समथिंग, पुश फॉर समबडी फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए उसका नहीं करें, मतलब टू कीप आस्किंग फॉर समथिंग यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट, किसी से पूछते ना भाई तू बता ही दे, क्योंकि आपको लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे होता है ना, जैसे कल विकास को कोई लड़की है जो मर दी तमाचा खींच के, अब प्रवीण देख लिया, ठीक है, और हम सुन लिया, चाहे उसका घटना सुन लिया, बता बता ना मामा कौन लड़की मारी, कौन मारी, तो तब उसको प्रवीण को उंगली किए हुए, भाई तू बता ही दे, बता ही दे, क्योंकि उसको लगता है मजा आएगा उसको सुनने में, मैटर क्लियर, दिल पे मत लेना इसका अंपल दे देते। तो पुश फॉर समथिंग, किस चीज को, मतलब टू कीप आस्किंग फॉर समथिंग यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट, लिख लिया इसका, जैसे किसी को धक्का देना कुछ जानने के लिए, भाई जरा धक्का, मतलब वो धक्का नहीं, कैसे उंगली उंगली करते भाई, थोड़ा थोड़ा नहीं करना, हाँ तो लिख लीजिए हिंदी, किसी को धक्का देना, तो पुश मतलब धकेलना, किसी चीज, किसी को धक्का देना कोई चीज बात जानने के लिए, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस लिखिए, दे पुश्ड मी फॉर अ डिसीजन ऑन दिस मैटर, दे पुश्ड मी फॉर अ डिसीजन, फॉर अ डिसीजन ऑन दिस मैटर, क्या हुआ इसका मतलब, दे पुश्ड मी, बोली तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो भाई दे पुश्ड मी फॉर अ डिसीजन ऑन दिस मैटर, कह रहा है कि कुछ बात जानने के लिए, किसी बात को जानने के लिए, डिसीजन को, वो हमको उंगली कर रहा है, धक्का दे रहा है, मैटर क्लियर है यहां तक, चलिए मिटा दें। yes, सब समझ में आ रहा है जी, ये बहुत ही ज्यादा एग्जाम में कॉमनली पूछ रहा है। अगला ये पुल समथिंग डाउन, पुल समथिंग या पुल समबडी डाउन, हमने डाउन को किससे ट्रिक बनाया था, डाउन हमने किससे ट्रिक बनाया था, डाउन को जब भी डाउन आएगा तो, ठीक है। तो पुल समबडी डाउन, तो पुल समबडी डाउन का मतलब क्या है, टू हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन समथिंग, ऑन समथिंग समबडी हेल्थ और हैप्पीनेस, कह रहा है जैसे पुल मतलब क्या, खींचना, समबडी मतलब किसी को, चढ़ना छोड़ा ना भाई, यूज दैट, कह रहा है कि किसी को खींचना, कहां, डाउन के पास खींच के ले जाना, हिंदी क्या निकला, किसी को डाउन के पास खींच के ले जाना। अब आप ही सोचो, किसी को डाउन के पास खींच के ले जाएंगे तो क्या वो खुश रह पाएगा, उसका हेल्थ बढ़िया रहेगा, टांग हाथ तोड़ देगा तुरंत, डॉन भाई डॉन के पास खींच ले तो मतलब उसका टांग हाथ तोड़ने के लिए ले जा रहे हैं, यानी टू हैव उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा उस पर, क्लियर सबको। तो भाई डॉन के पास खींच के ले जाना मतलब उसका स्वास्थ्य पर, उसकी खुशियों पर, उसके उस पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ना, उसके स्वास्थ्य पे स्वास्थ्य पड़ेगा ना जी, मतलब टांग हाथ जल्दी से तोड़ देगा। तो टू पुल समथिंग डाउन, लिखिए। तो भाई किसी के स्वास्थ्य पर, किसी और खींच के ले जा रहे हैं तो किसी के स्वास्थ्य पर, खुशियों पे, उसके हेल्थ पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ना, चले जाना, ठीक है। एक
बर्ड लिखते हैं नीचे सेंटेंस, द स्ट्रेन पुल्ड हर डाउन। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? तनाव, टेंशन, परेशानी, समझ रहे ना? ये जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन जो तनाव है, उसको पूफ खींच के नीचे ले गया ना, मतलब उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। पुल्ड हर डाउन, मैटर क्लियर? तो उसको खींच के क्या किया? नीचे ले गया। मैटर समझे? इसका मतलब क्या निकला सेंटेंस का? हाँ, पूरा तनाव में चला गया, बेचारी का स्वास्थ्य खराब हो गया। ठीक है, द स्ट्रेन पुल्ड हर डाउन, हिंदी कह रहा है कि तनाव के कारण उसका स्वास्थ्य, उसकी खुशियां पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। यानी हेल्थ खराब हुआ तो खुशी भी तो खत्म, स्वास्थ्य तो खत्म होना है ही, पैसा भी खत्म, खुशी भी खत्म, सब कुछ खत्म। क्लियर बेटा? दे अगला आइए। अगला वर्ड मेरा क्या है? माउथ, जो लास्ट में डिस्कस किए थे, माउथ ऑफ। भाई माउथ मतलब मुंह, ऑफ मतलब ऑफर, ऑफर। तो भाई किसी को मुंह ऑफर करना है? जैसे कभी कभी देखते होंगे कि बेटी को सीढ़ी पे चढ़ा के रख लेता है, तो बेटी एकदम ऊपर उड़ जाती है, घर का पापा कोई बात नहीं। ठीक है, जब मन किया पापा के वॉलेट से पैसा लेने के लिए रख ली, पापा बोले हालांकि देखा है तो मम्मी कुछ बोले आप ही ना सर पे चढ़ा के रखे हैं, बच्ची थी तो बोलती बेटी पापा को मारो मारो, अब बड़ी होकर तोड़ मार रही है। या फिर कहने का मतलब मुंह ऑफर करना। अब भाई किसी को हम हंसी मजाक ना करें तो उसका बता लेंगे, हमसे बहस कर ले, पर कोई कोई लड़का जो उल्टा पुल्टा बोल देता है, जैसे उजित कभी कभी हमको बोल देता है, तो गांव से आया लड़का क्या कर ले। नहीं नहीं, किसी को मुंह देना बोलने के लिए देखो सर क्या, तो कंप्लेन लाउडली जोर जोर से चिल्ला कर बोलना, या फिर टू गिव ओपिनियन अबाउट समथिंग या समबडी या समथिंग लाउडली। मतलब कैसे राज्यसभा में बहुत चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं, क्योंकि उनको मुंह दिया गया बोलने के लिए, भगवान जी ने दिए, मतलब ऑफर दिया गया मुंह कि तुम जोर से बोल सकते हो, तुम्हारा मन, यहाँ जोर से बोलने का अधिकार सिर्फ हमको दिया गया है, इसलिए हम जोर से बोले, तुम लोग लाउडली नहीं बोल सकते, तो तुम लोग का मुंह ऑफर नहीं दिया है, यानी चिल्ला चिल्ला कर जोर से बोलना। हाँ, चिल्ला चिल्ला कर जोर से बोलना, ठीक है, या अपना राय विचार देना चिल्ला चिल्ला कर। मटर क्लियर? जैसे कैसे कोई नेताजी को ऑफर देता है, चिल्ला चिल्ला के आप बोलिए, डन? चलिए एक सेंटेंस देखते हैं। आई हर्ड हिम, आई हर्ड हिम माउथिंग ऑफ थिंग ऑफ व्हाट ही वांटेड टू से। आई हर्ड हिम, मैंने उसको सुना मुंह खोलते हुए चिल्ला चिल्ला के बोलते हुए जो वो कहना चाहता था। ठीक है, जो कहना चाहता था मैंने सुना, बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था। तो बट यहां तक क्लियर? तो आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, नहीं तो कोई कॉपी पास कीजिए जल्दी। चलिए तो जरा देख लेते हैं किनको कितना कितना याद हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखा कीजिए, वर्ड यहाँ लिखिए, उसके नीचे जो हम हिंदी बोलते हैं नीचे मेंशन, ताकि एक बार पढ़े, आपके पास टाइम नहीं होता रिवाइज करने का, याद रखना। ठीक है, खुद प्रैक्टिकल करता होगा, आगे पढ़ते जाओ पीछे छोड़ते चले जाते हैं, तो जुगाड़ यही कि एक बार पढ़े कम से कम 4-5 महीना तक याद रहे। चेक करते हैं हम लोग, कैरी आउट इसका मतलब क्या होता है? आज्ञा का गरीना का पुरुष जब भी बाहर जाती है। अगला ये टिल्ट अटैक हो तो लोग उसकी। अगला वेरी गुड, स्टोव बनाने का ऑफर दिए, कल ले करेंगे परसों करेंगे, वेरी गुड। ये लेटर वाला जितना आदमी है सबके ऊपर अटैक करो, और सबसे चिल्ला चिल्ला कर बोलो,
ठीक है, एट मतलब अटैक था और वो था क्या, यल आउट था वो, ये लड़का मतलब इतने लोग है सबको बाहर कीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें से, पुश ऑन वेरी गुड, मतलब कहीं जाना, कहीं जाना, राइट डाला नहीं, रद्द कर दिया, राइटर को खारिज कर दिया, राइटर बनने का ऑफर दिया, बोला नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर दिया। अगला ये पुश फॉर समथिंग, यही था क्या था, पुश फॉर समथिंग क्या था इसका मतलब, हाँ भाई थोड़ा बताना बताना क्या बोल, वेरी गुड। अगला ये शेक बच निकलना, क्योंकि शेक पीने का ऑफर दिया वहाँ से, पता है फिल्मों में उसको चाय पिला रहे हैं, जैसी चाय पिया देखा वो आदमी तो गायब हो गया, पता है ना। चलो अगला ये ट्रम्प बहाने बनाना, कोई है माउथ जोर से चिल्ला चिल्ला करके अपना राय विचार देना, दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें बहुत पसंद लगता, बहुत पसंद आया होगा, तो आप जुड़े रहिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत है, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और मेरी क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलती है, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज, ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।